बेरोजगारी भत्ते को लेकर गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने गुरुवार को ट्वीट कर उच्च शिक्षित बेरोजगारों के द्वारा बेरोजगारी भत्ता के लिए किए गए आवेदन को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए तंज कर लिखा था कि प्रदेश के सशक्त युवाओं को भत्ते की बैशाखी पकड़ा कर नवा छत्तीसगढ़ रच ही दिया। इस ट्वीट का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह अभी भी हवा में है, वे गरीबों का अपमान कर रहे हैं जो सोचते हैं कि गरीब घर के बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, ये उसी मानसिकता के लोग हैं। वो करीब 3.5 लाख हो गया है और उसमें 48% महिलाएं हैं और उसमें और उसी रेशियो में जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं तो निश्चित रूप से गोबर बेच के आय वृद्धि हुई है। आज मैं ट्वीट देख रहा था रमन सिंह का कि एमटेक एमबीबीएस वाले भी बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं और उसको बड़े अपमानित ढंग से उन्होंने कहा है। तो रमन सिंह 15 साल तो लूटे हैं लेकिन यार क्या विधायक के वेतन भत्ता लेना बंद कर दिए क्या? वो तो दुनिया भर के पैसा इकट्ठा करके रख लिए हैं अपने नाम से, अपने बेटे के नाम से, सबके नाम से, उसके बाद लेना बंद किए और बेरोजगार रमन सिंह अभी भी हवा में हैं। गरीब घर के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, ऐसे परिवार के लोग नहीं हैं जो लोन लेके पढ़ाई किए हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो ये तो उनका अपमान कर रहे हैं। गरीब का बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, गरीब का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, गरीब का बच्चा एमबीए नहीं कर सकता, ये उस मानसिकता के लोग हैं। इसी हिसाब से वो ट्वीट कर रहे हैं। सर, रेस्लिंग फेडरेशन वाले अभी भी जंतर मंतर में प्रोटेस्ट उन लोग का जारी है सर, और कांग्रेस ने बोला है कि अभी तक पीएम को अब तो बोलना चाहिए, कब तक अपने सांसद को सेव करेंगे? सही बात है, जब पासपोर्ट लग गया है तो आदमी बाहर कैसे घूम रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कानून अलग है और देश की जनता के लिए कानून अलग है। अब बेमेतरिया के बिना तो कंप्लीट होगा नहीं, थोड़ा बताया ना, उसको पता ही नहीं रहता कार्यक्रम का, पता ही नहीं रहता कार्यक्रम हो जाता है। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में बहुत गड़बड़ चल रहा है। कभी कोई किसी को नेता मानने की तैयार ही नहीं और किसी से कोई कम नहीं, चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह हो, चाहे बृजमोहन अग्रवाल जी हो, चाहे वो अरुण साहू जी हो, चाहे और कोई हो, वो एक दूसरे को कोई नेता मानने के तैयार नहीं है। और पहले वो हंटर चलाने वाली आके चली गई है ना, फिर जामवाल आ गए हैं, अब उसके बाद माथुर साहब आए। लेकिन अभी भी मैं समझता था माथुर साहब बहुत सीजेंड हैं और ठीक ठाक चलेगा, लेकिन अब वही स्थिति बन रही है जैसे, अरे वो सब ठीक है, ये सब चीज सोशल मीडिया और मीडिया भर में है, ये लोग गौठान जाने वाले थे, एक आरंग के गोढ़ी गौठान में गए, कब से बोल रहे थे गौठान जाएंगे 8-10 दिन 15 दिन है ना, 15 दिन में एक गौठान, 10,000 गौठान बनाए हम लोग 10,000 गौठान जाते थे 15 दिन में एक गौठान तो 10,000 गौठान कितने दिन में, ये तो सवाल पूछा जाना चाहिए। मतलब उन लाभार्थियों का जो महंगा पेट्रोल और डीजल खरीद रहे हैं, उन लाभार्थियों के पास जो महंगी रसोई गैस खरीद रहे हैं, उन लाभार्थियों के पास जिसका टॉयलेट तो बन गया है पेपर में लेकिन उपयोग नहीं हो रहा है, उन लाभार्थियों के पास जिसमें नोटबंदी के कारण से कितने लोगों के जीवन अस्त व्यस्त हुआ, प्रभावित हुआ, उसको सम्मान करेंगे, और लॉकडाउन में कितने लोगों काल कवलित हुए, क्या यही इसी उपलब्धि पर जाएंगे या उन व्यापारियों के पास जो GST पटाते पटाते फार्म भरते भरते लोग परेशान हो गए हैं उसके पास जाएंगे? कर्नाटक आज शाम को जाऊंगा क्योंकि कल 12:30 बजे शपथ ग्रहण है, तो वेणुगोपाल जी का और DK शिव कुमार दोनों का फोन आया था निमंत्रण, कल उपस्थित रहने के लिए अनुरोध किया गया, तो मैं आज ही शाम को चल दूँगा क्योंकि यहाँ से फ्लाइंग टाइम ज़्यादा लगता है, सुबह सुबह जाओ ट्रैफिक, मतलब उसमें शाम पहुँच जाओ।